नमस्कार, फिल्मी बीट में आप सबका स्वागत है। प्रभास का शानदार एक्शन, श्रद्धा का नया अवतार, कमाल के जीएफएक्स, साहू इस साल की रिलीज होने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्मों में से सबसे चर्चित और मोस्ट अवेटेड फिल्म है। इस फिल्म में प्रभास और श्रद्धा लीड रोल्स में नजर आएंगे। ये फिल्म बेहद ही खास है, एक तो प्रभास के फैंस के लिए और दूसरी सबसे बड़ी खासियत इस फिल्म की ये है कि इस फिल्म से श्रद्धा कपूर अपना तेलुगु डेब्यू कर रही है। साहू के लीड एक्टर प्रभास की पॉपुलैरिटी के कारण फिल्म न केवल तेलुगु में बनेगी बल्कि ये अन्य भाषाओं जैसे हिंदी, मलयालम और तमिल में भी डब की जाएगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म की शूटिंग साल 2017 में ही शुरू हो गई थी और इसे पूरा करने में लगभग 2 साल का समय लग गया। हाल ही में ही साहू मूवी का पहला टीजर सोशल मीडिया और थिएटर्स में लॉन्च किया गया और टीजर ने आते ही चारों ओर धूम मचा दी और तो और सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए। इस टीजर को सोशल मीडिया पर बेहतरीन रिस्पांस मिल रहे हैं। आपको साहू से जुड़े कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से रूबरू कराते हैं जो यकीनन प्रभास के फैंस जरूर जानना चाहते होंगे। 300 करोड़ रुपए का बजट, सोर्सेज की माने तो ये भारत की दूसरी महंगी बजटेड मूवी है जिसमें लगभग 300 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इससे पहले रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टार रोबोट 2.0 भारत की सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म रही जिसमें लगभग 540 करोड़ रुपए लगाए गए। सोर्सेज की माने तो साहू फिल्म के एक सीन की शूटिंग में ही 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी कारणों की वजह से बांद्रा स्थित वर्ल्डी सी लिंक को हूबहू हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म स्टूडियो में रिक्रिएट किया गया। एक्शन सीक्वेंसेस को शूट करने के लिए 90 करोड़। एक्शन थ्रिलर होने के कारण इस फिल्म के टीजर में प्रभास बहुत ही स्टाइलिश और खतरनाक स्टंट करते नजर आए जिसने दर्शकों के मन को मोह लिया। अब तो प्रभास के फैंस बाहुबली के बाद साहू में बेहतरीन एक्शन देखने का इंतजार कर रहे हैं। सोर्सेज की माने तो साहू के एक्शन सीक्वेंसेस को शूट करने के लिए लगभग 90 करोड़ की राशि लगाई गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्शंस और स्टंट्स परफॉर्म करने के लिए और उसे रियलिस्टिक दिखाने के लिए फिल्म में असली लग्जूरियस कार्स, ट्रक्स और बाइक्स को तबाह किया गया है। इस फिल्म की एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर भी फिल्म में बेहतरीन एक्शन और स्टंट्स परफॉर्म करती नजर आएंगी। फाइट सीन के लिए 100 दिनों की तैयारी, फिल्म में साहू के फाइट सीन से जुड़ी ये दिलचस्प बात है कि एक फाइट सीन लगभग 100 दिनों की तैयारी के बाद शूट हुआ है। फिल्म की प्रोडक्शन टीम ने कुल मिलाकर 80 कैमरामैन और एक्शन टीम के 120 लोगों ने मिलकर 8 दिन तक कैमरा एंगल्स और मूवमेंट्स का टेस्ट शूट किया था। साहू का फाइट सीन दुबई में शूट किया गया है। टेस्ट शूट के बाद प्रभास और अन्य एक्टर्स के साथ मिलकर 20 दिन तक फाइट सीन की शूटिंग हुई। 36 घंटे लग गए सिर्फ एंट्री सीन में। जी हां, सोर्सेज की माने तो साहू में सिर्फ प्रभास की एंट्री सीन को शूट करने में पूरे 36 घंटे लग गए थे। करीब 3 दिन तक शूट किया गया और एक ही सीन के कई बार रीटेक भी किए गए। एंट्री सीन की शूटिंग दुबई के बुर्ज खलीफा के आगे की गई। तो इतनी सारी खासियतों से भरपूर है प्रभास की फिल्म साहू। प्रभास के फैंस बेसब्री से साहू के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर रिलीज होगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।